ज्यादातर लोग रसोई में सिर्फ खाना पकाते हैं, पर ये इनकी रसोई में तो खाने के साथ पकती है साइंस। और जब सब भूल भाल कर ये हो जाती हैं इस तरह बिजी, तो मतलब है सिर्फ एक। आज तो कुछ बड़ा ही मजेदार होने वाला है। ऐसा ही होता है जब होती है हर मुट्ठी में साइंस। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। ये अगर थोड़ा और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तो, थोड़ा और थिक अगर हो जाता है तो। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और थिक? मम्मी ये क्या है? सुसु। सुसु? ओए, बनायू, यहाँ आओ। मान लो कि ये सुसु है, नंबर वन यूरिन। मतलब ये असली की नहीं है। मैंने मसाले डालकर ये यूरिन जैसा तैयार किया है। और तुम बहुत दुष्ट हो, पहले सवाल पूछते हो और जब जवाब ढूंढने की कोशिश करती हो तो मुंह बनाते हो। तुमने ही तो पूछा था। आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? मेरे पापा यानी कि इनके नाना जी की किडनी में स्टोन है, और जनाब को लगता है कि हो ना हो मेरे बेचारे पापा पत्थर खाते हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम पत्थर नहीं खाते, फिर भी हमारी किडनी में स्टोन कहाँ से आ जाता है। ये है किडनी का मॉडल, आप भी जरा इसे देखेंगे। सब मिलकर किडनीज को देखते हैं, मॉडल नहीं, शरीर के अंदर अपनी दो किडनीज, गुर्दों को जो रक्त को छानकर साफ करती हैं। सब जरूरी चीजें अंदर, बेकार की चीजें नंबर वन के साथ बाहर। एक मास्टर केमिस्ट हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी। किडनी की बनावट बहुत विशेष, जरा पास से देखें। अंदर हैं करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स, बड़े सिर और लंबे शरीर वाले कीड़े जैसे नेफ्रॉन्स। अगर इन सब घुमावदार नलियों को एक लाइन में सीधा कर दें तो वो हो जाएंगी कोई 105 किलोमीटर लंबी। इन्हीं नलियों में से बहता है रक्त। हर घंटे हमारा पूरा खून किडनीज के दो चक्कर मार लेता है। लाल कोशिकाएं और रक्त के प्रोटीन्स तो बह निकलते हैं, लेकिन इसकी छन्नी जैसी दीवारों से बेकार के सॉल्ट, यूरिक एसिड और दूसरे विषाक्त पदार्थ बाहर निकलकर रक्त से अलग हो जाते हैं और लगातार बनती पेशाब में जाकर मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही फाइनली ट्यून प्रक्रिया है। वाइटामिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हॉर्मोन्स, शरीर के लिए सभी आवश्यक चीज़ें वापस रक्त में। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो किडनीज उन्हें बाहर निकालकर यूरिन में फेंक देती हैं। अब बात किडनी स्टोन की, पथरी की, वो कहां से आ जाती हैं? हम ये तो जान ही गए हैं कि पेशाब में है सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट और यूरिक एसिड जैसे क्रिस्टल्स। अब किसी कारण यूरिन बहुत गाढ़ी हो जाए तो ये सॉल्ट क्रिस्टलाइज होकर गुर्दे में उसकी दीवारों पर जमने लगते हैं, पथरी बन जाती है। समझ गए, पत्थर ना खाकर भी हमारे शरीर में पत्थर कैसे पहुंच जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है सही मात्रा में पानी पीना, खूब सारा पानी पीना। हर मुट्ठी में है साइंस। ऐसा ही होता है जब बात का क्यों समझ आ जाए। वैसे किडनी स्टोन की बात से एक आइडिया आया, आपने कभी क्रिस्टल्स के बारे में सोचा है? क्रिस्टल्स, वैसे बंटी और बबली के लिए क्रिस्टल्स का मतलब सिर्फ डायमंड्स होगा, हीरे जवाहरात वगैरह। वेट एंड वॉच, अब देखो। अरे मम्मी,
ये सॉल्ट तो बिल्कुल आइस क्यूब्स की तरह लग रहे हैं, पर आप अभी क्रिस्टल्स ढूंढो, क्रिस्टल्स, वरना वो लोग हम पर हंसेंगे। वो हम पर नहीं हंसेंगे, हम उन पर हंसेंगे। गौर से देखो, तुम गौर से देखो, ये भी क्रिस्टल्स ही हैं पुन्नायू। अच्छा अभी इसको हाथ लगा के देखो, देखो कैसा ग्रिटी लगता है, भुरभुरा लग रहा है ना। अरे मम्मी ये तो बिल्कुल सैंड की तरह है, रेती की तरह। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। ये भी क्रिस्टल है पुन्नायू, और वो सैंड भी क्रिस्टल है। पर मम्मी क्या है क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स पुन्नायू, क्रिस्टल्स बहुत मजेदार होते हैं। वो हमारे चारों तरफ है, मतलब जमीन पे, पैरों के नीचे क्रिस्टल्स, हमारे आसपास क्रिस्टल्स, यहाँ तक कि ऊपर आसमान में भी क्रिस्टल। क्रिस्टल्स, हीरे, पन्ने, माणिक, मोती तो हैं ही, नमक और चीनी भी क्रिस्टल्स, पत्थर, चट्टाने, रेत, बर्फ और हमारी हड्डियां तक क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स सॉलिड का वो रूप है जिसमें एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो, एक रेगुलर जियोमेट्रिक पैटर्न। नमक का एक दाना बना है करोड़ों क्रिस्टल से, और उन सभी क्रिस्टल्स में हर एक का आकार बिल्कुल यही। क्रिस्टल वही है जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड और रेगुलर पैटर्न में आपस में जुड़े हैं। थोड़ी जांच पड़ताल करें तो देखेंगे कि एक ही चीज के क्रिस्टल्स का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी बनावट हमेशा एक जैसी होती है। साइड्स के एंगल्स वही रहते हैं, सिमेट्री भी वही। हर मुट्ठी में है साइज। रेडी? रेडी। अब गया इसमें पानी। पानी। अब इसमें चीनी डालो। ठीक है। अरे कंजूसी क्या कर रहा है, और डाल यार। डालू? डाल। एक काम कर दो, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। अच्छे से डाल। बस बस। गैस की इतना पास नहीं जाते, ध्यान से, ध्यान से। अच्छा नींबू लाओ। नींबू? ओए हम शरबत नहीं बना रहे, क्रिस्टल्स बना रहे। बस बस अब ये सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब इसमें और चीनी नहीं घुलेगी, राइट? राइट। yeah. अब मैं गैस को कर देता हूँ बंद। ठीक है। ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अरे आप लोग भी सीख लीजिए, क्रिस्टल पकाना बड़ा मजा आता है। हर मुट्ठी में है साइंस। क्रिस्टल बनाने के लिए बनाते हैं चाशनी, बिल्कुल वैसी जैसी जलेबी या गुलाब जामुन के लिए। गर्म पानी में चीनी, तब तक जब तक और चीनी ना घुले, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस चाशनी को प्लेट में उड़ेल देंगे और ऊपर से डाल देंगे धागा। इसे कुछ दिन तक बिना हिलाए रख दें, ये धीरे धीरे ठंडा होगा और कुछ दिन बाद क्रिस्टल तैयार। क्रिस्टल्स तभी तो बनते हैं जब कोई लिक्विड धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिड बने। क्रिस्टल्स के बनाए जाने का बढ़िया उदाहरण है सॉल्ट पैंस, नमक के खदान। यहाँ समुद्र के खारे पानी को सुखाती है सूरज की गर्मी, पीछे छूट जाता है दानेदार नमक। क्रिस्टल्स, छह सतह वाले पासे जैसे क्रिस्टल्स। इधर बंटी और बबली कर रहे हैं कुछ नया। ये गया नमक मिक्सी के अंदर। रेडी? ढक्कन बंद तो मिक्सी भी रेडी। बंटी बबली चीनी को पहले ही पीस चुके हैं, अब देखते हैं दोनों में फर्क। ये वाला ज्यादा सॉफ्ट है। कितना भी पीसो ये वाला, मतलब नमक भुरभुरा ही रहेगा, कारण क्रिस्टल का आकार। हर तरफ 90 डिग्रीज के कोण, कितने भी छोटे हो जाएं हाथ को पैने ही लगेंगे। चीनी पीसने पर उसका पाउडर सॉफ्ट हो जाता है, नरम। यहाँ भी कारण उसके क्रिस्टल का आकार, वो थोड़ा लंबा है और उसके कोण कम पैने। हीरा, क्रिस्टल तो है इस पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ भी, ये तो आप जानते ही होंगे। हर मुट्ठी में है साइंस। और ये हमारा क्रिस्टल। वाओ कितना सुंदर है। है ना सुंदर? मम्मी
आपने कितने सारे क्रिस्टल्स की बात की, पर आप अपने फेवरेट क्रिस्टल को तो भूल ही गए। मेरा फेवरेट क्रिस्टल वो कौन सा है? जब मैं इसे तोड़ता हूँ तो आप मुझे डांटती हो, ये वाला। अच्छा याद दिलाया, ये तो मेरा फेवरेट क्रिस्टल है, मैं इसे कैसे भूल गई? हर मुट्ठी में है साइंस। भूल गई, लेकिन मुझे पता चल गया है, जो बात मैं बताने वाला हूँ ना उसके बारे में तुमको कुछ मालूम नहीं है। कौन सी बात अंकल? यही कि वो क्रिस्टल है लेकिन क्रिस्टल नहीं। मतलब नाम क्रिस्टल है लेकिन फॉर्म क्रिस्टलीन नहीं। अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं? वो चीज किसकी बनी है? कांच की ना, तो फिर हो गई ना क्रिस्टल। रेत का क्रिस्टल, क्रिस्टल का कांच, कांच का ग्लास, ग्लास का बल्ब, लेकिन बल्ब में क्रिस्टल नहीं, बिल्कुल नहीं। अंकल आपकी जो ये बात है ना वो मेरे सर से सीधा तो फिर करके लैंड करवा देते हैं प्लेन को। इस प्लेन को ले चलते हैं सीधा ग्लास फैक्ट्री में, जहां ये बात समझ आ जाएगी। हर मुट्ठी में है साइंस। कांच क्रिस्टल नहीं है, टेक्निकल भाषा में कांच अमोर्फस है, वो जो क्रिस्टल नहीं, एक ठोस जो बिहेव करता है लिक्विड जैसे। कांच है क्या ये जानने के लिए तो देखते हैं कि कांच बनता कैसे है। रेती, टूटा फूटा कांच जिसे कलट कहते हैं, चूना और सोडा, ये सभी चीजें जाती है भट्टी के अंदर, एक बहुत ही गर्म भट्टी के अंदर 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट से 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान। इस तापमान पर ये सभी रॉ मटेरियल मिलकर एक तपता हुआ लावा बन जाते हैं। अब कांच लिक्विड रूप में, एक गर्म द्रव्य। इस पिघले हुए कांच को मशीन ब्लोअर्स में भेजती है, ब्लोअर्स हवा फूंककर इस मोल्टन कांच को मनचाहे आकार में ढाल देते हैं। कांच बहुत तेजी से ठंडा होता है और ठोस बन जाता है। वैसे कांच 100% रिसाइक्लेबल है, उसे बार बार यूज किया जा सकता है। यही है कांच की कहानी। नाम क्रिस्टल है पर है अमोर्फस। आसमान में क्रिस्टल्स? पर आसमान में तो तारे होते हैं। आसमान में तो सूरज और प्लैनेट भी होते हैं। हाँ। आसमान में चांद भी होता है और बादल भी, पर क्रिस्टल्स कहाँ होते हैं? अरे अभी तो बोला मैंने। नहीं मैंने नहीं नहीं इसका मतलब मैंने। हाँ। पर क्या बोला था मैंने? अरे बादल बोला था। बादल के क्रिस्टल्स भूल गए क्या? आइए बात करते हैं बादलों की और कड़कती बिजलियों की। मेरी दादी कहती है जब भगवान जी गुस्सा होते हैं तब जोर से बिजली कड़कती है। फिर तो भगवान जी हर समय गुस्सा होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बिजली हर वक्त कौंधती है। हाँ, एक सेकंड में 100 बार। हाँ, कुछ भैया धुड़ुम। हाँ मैंने पढ़ा है उसके बारे अरे में। सही कह रहा है, हमारी पृथ्वी में एक सेकंड में 100 बार बिजली कहीं ना कहीं कड़कती रहती है। अब आपकी दादी क्या कहती हैं वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन बता सकता हूं। देखिए श्रीता का नया हेयर स्टाइल, कड़कती बिजली और क्रिस्टल्स की साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। बालों के इलेक्ट्रॉन्स गुब्बारे में, बनता है चार्ज, स्थिर विद्युत, यही चार्ज बना देता है नया हेयर स्टाइल। अब इस हेयर स्टाइल का बादलों से और बादलों का क्रिस्टल से रिश्ता। चकरा ये नहीं, बादलों में भी तो क्रिस्टल्स है ना। आंधी तूफान के समय ये करोड़ों पानी की बूंदें और बर्फ आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं, बादल में बनते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर, नेगेटिव नीचे। जब ये चार्ज बहुत बढ़ जाते हैं तो बिजली चमकती है। चार्ज बादल वातावरण की हवा को भी चार्ज कर देते हैं, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव चार्ज जमा होने लगते हैं। यही प्रभाव पृथ्वी पर भी होता है, तभी तो बिजली बादलों से कूंदती हुई जमीन की तरफ बढ़ती है और पृथ्वी के चार्ज उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आसमान की तरफ। मिट्टी में है साइंस। ये नीडल हमने डाली। हाँ। दिस मींस कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके।
अब वो ब्लैक पेपर पकड़ो वहां पर। हाँ। ओके, अब लाइट दिख रही है? हाँ यार दिख रही है, एक स्मॉल डॉट दिख रहा है ना। हाँ। अच्छा अब मैं हाथ थोड़ा टेढ़ा करती हूँ। अभी तो नहीं दिख रही। देयर इट इज, तैयार हो गया तुम्हारे स्कूल का प्रोजेक्ट। हमने क्या प्रूव किया? कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। करेक्ट, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मम्मी पर अगर लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन तो फिर ये जो लाइटनिंग है ना वो ऐसे ऐसे क्यों जाती है? हाँ क्यों क्यों, क्यों? हर मुट्ठी में है साइंस। वाह क्या क्वेश्चन है। बिजली हमेशा जिगजैग क्यों होती है? वो बिल्कुल मेरी तरह सबसे मिलजुल के हाय हेलो ऐसे जाती है ना। इसकी भी साइंस है, बिजली स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं कौनती? हर मुट्ठी में है साइंस। एक बार फिर देखिए कि बिजली क्यों और कैसे चमकती है। ये बना बादल में इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब ये चार्ज वातावरण को भी आयोनाइज कर देता है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। यही हाल जमीन पर भी। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जोड़ती हुई बिजली चलती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी लाइन में। और जब ये बहुत सारी छोटी छोटी सीधी लाइंस मिलती हैं तो बन जाती है जिगजैग लाइटनिंग, एक पेड़ की टहनियों की तरह। हर मुट्ठी में है साइंस। अरे अब मम्मी का बंटी इतनी पढ़ाई करेगा तो मम्मी तो बोर हो जाएगी ना। मम्मी का जादू देखना है। जादू? हाँ कैसा? ओके आर यू रेडी? यस। ओके इसे तो आप जानते ही हैं, ये है सेलो टेप। हम इसे बुलाएंगे मिस्टर चिपकू। ओके अब मैं ना यहाँ का एज मिस्टर चिपकू का फोल्ड कर देती हूँ ताकि पकड़ने में आसानी हो। अब दिस इज मिस्टर चिपकू नंबर वन। ओके नाउ वी विल गेट मिस्टर चिपकू नंबर टू। मिस्टर चिपकू नंबर टू। ओके अब ये सेलो टेप से तो हम कितनी सारी चीजें चिपकाते हैं ना। हाँ तो अब मैं इसे पास लाऊंगी तो क्या होगा? पास लाएगी? हाँ मम्मी अगर आप इसे पास लाएंगी तो ये चिपक जाएगा। सिंपल चिपक जाएगा। ओके लेट्स सी हाउ सिंपल। हाँ और ये है जादू। ये क्या हो रहा है? ये तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। Exactly. पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि यही तो है इस बार का सवाल। एपिसोड 5 कॉन्टेस्ट 5। एपिसोड 5 कॉन्टेस्ट 5। हमारा प्रश्न आपको बताना है कि टेप के ये टुकड़े इस तरह एक दूसरे से दूर क्यों हट रहे हैं। Why are the tape pieces moving apart? कॉन्टेस्ट के नियम। अपने जवाब अंग्रेजी या हिंदी में डाक या ईमेल से भेजें। हर प्रविष्टि पर यह जानकारी जरूर हो, एपिसोड और कॉन्टेस्ट का नंबर, साथ में आपका नाम, पता, उम्र और व्यवसाय। 15 दिन के अंदर मिली प्रविष्टियों से होगा लकी ड्रॉ और विजेताओं का चयन। पहले 10 विजेताओं को मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर, विज्ञान प्रसार प्रकाशित 2 एक्टिविटी बुक्स, ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड का VCD सेट, एस्ट्रोनॉमी किट और ड्रीम 2047 का 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। अगले 25 विजेताओं को 1 साल का ड्रीम 2047 का सब्सक्रिप्शन। हमारा पता नोट करें, ऐसा ही होता है 3183 डेकू इसरो सैक कैंपस अंबावाड़ी विस्तार पोस्ट ऑफिस अहमदाबाद 380015। आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ah3@sac.isro.gov.in। आज का क्वेश्चन तो हो गया, अब उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने आपसे पूछा था। एपिसोड 1 कॉन्टेस्ट 1 देखिए रिजल्ट। हमने पूछा था कि ये हाथों से क्यों फिसला है। सही जवाब है इसकी बनावट। ये हाथों से लुढ़क जाता है क्योंकि लुढ़कने का घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। और इस बार के विजेता हैं रत्नाकर दुबे मुंबई, उस्मान मोहम्मद गुंटूर, रामशरण साहू जगदलपुर, योगेंद्र मिराजे कोल्हापुर, राकेश दशोतार जयपुर, आशुतोष भारती मुंगेर, अनिरुद्ध यादव जयपुर, तेजस कचरोला मोरबी, रसिका किनेकर पोंडा, महिपाल सिंह शेखावत पाली।
आप सबको अपने इनाम जल्दी मिल जाएंगे। चावल, दाल, चना, राई, बंटी बबली ये क्यों कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? मम्मी, वैसे ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बताती हूँ, पहले दूसरे दो मुझे। वो तो खेल रहे हैं साइंस, कर रहे हैं मुट्ठी में साइंस। अब ये तो हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि दानेदार चीजों को लिक्विड्स की तरह उड़ेला जा सकता है और उड़ेले जाने पर वो ढेरियां बना लेते हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, पर मजेदार बात ये है कि हर दानेदार चीज की ढेरी की ढलान स्लोप हमेशा एक ही रहता है। गिरते समय ये दाने एक दूसरे से टकराते हैं, फिसलते हैं और फिर एक विशेष एंगल पर रुक जाते हैं। हो गया एक्सपेरिमेंट। तुम कुछ समझे? नहीं। आप कुछ समझे? इस छोटी सी एक्टिविटी में एक बहुत बड़ी बात छुपी है। इनफैक्ट ये साइंस हमें अक्सर अपनी आम जिंदगी में देखने मिलता है। अब देखिए, सिंपल सी चीज, मैंने एक ही तरह से सारी चीजों को पोर किया, लेकिन गिरने के बाद इन सारी चीजों ने अपना अपना एक एंगल ले लिया। इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इस कॉम्प्लिकेटेड नाम के पीछे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जितना स्टीप एंगल उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना कम स्टीप एंगल मतलब जितना फ्लैट उतना कम फ्रिक्शन। हर मुट्ठी में है साइंस। सॉल्ट पैन में नमक के ढेरों को देखकर पहले तो आपने भी सोचा होगा कि हर ढेरी का स्लोप एक जैसा कैसे? शायद किसी ने नाप कर बनाया है, लेकिन अब समझ गए ना कि यही तो है एंगल ऑफ रेस्ट या एंगल ऑफ रिपोज। इसे टिपिंग पॉइंट भी कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज ही नजर आता है रेगिस्तान में भी। यहाँ हवाओं ने बना दिए हैं बिल्कुल एक जैसे ढलान। समझ गए? ये भी किसी ने इंच टेप से नाप कर नहीं बनाए, ये तो खुद बन गए हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। रेत में ही रहता है ये एंट लायन, एक लार्वा, यूज करता है एंगल ऑफ रिपोज। मिट्टी को खोदकर ये ऐसा ट्रैप बनाता है, बैठ जाता है अंदर मुंह खोलकर। ढलान इतना कि मिट्टी जरा से भी हिले तो अंदर लुढ़कनी शुरू हो जाए। ये आया चीटा, मिट्टी लुढ़की और वो अंदर सीधा एंट लायन के मुंह में। भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगर ये एंट लायन 100 गुना बड़ा होता तो हम इंसानों के लिए खतरा बन जाता। हर मुट्ठी में है साइंस। फिर कुछ भी नहीं, अब आप सो जाइए बेटा, बहुत देर हो गई। मम्मी एक बात हो। बोलो। मम्मी, ये जो डायनासोर्स थे वो उड़ सकते थे क्या? एक्चुअली हाँ, उड़ सकते थे। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ डायनासोर्स उड़ भी सकते थे और उनके पंख 39 फीट लॉन्ग थे। 39 फीट, अब सोचो। 39 फीट लॉन्ग? हाँ। मम्मी, इतने बड़े पंख से तो हम भी उड़ सकते थे ना? हाँ, एक्चुअली उड़ सकते। मम्मी, पर पता नहीं कि ये साइंटिस्ट दूसरों को ही हमेशा उड़ाते रहते हैं। बोइंग बनाया, जेट बनाए, हेलीकॉप्टर्स बनाए और टेर बलून, सब चीजें बनाए, पर पता नहीं कि साइंटिस्ट खुद क्यों नहीं उड़ते। क्यों? इस क्यों का जवाब भी है और मिलेगा भी, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते, क्योंकि हम फिर मिलेंगे यहीं, बहुत सारे सवाल जवाब और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ मिलेंगे ना, क्योंकि ऐसा ही होता है जब होती है हर मुट्ठी में साइंस। क्यों कैसे होता है क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस।